हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। आज बेटा हमने टाइप नंबर 44 स्टार्ट करनी है, जिसके अंदर बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज व्हेन द वैल्यू ऑफ मोड इज गिवन एंड द वैल्यू ऑफ मीडियन इज आल्सो गिवन। इसको बेटा हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मोड के फॉर्मूलाज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मीडियन के फॉर्मूलाज भी हम कर चुके हैं, तो फॉर्मूले बेटा वही एप्लीकेबल होंगे। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हाँ जी बेटा, ये मैंने क्लास इंटरवल ले लिया बेटा, और इधर फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल की वैल्यूज है बेटा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। और फ्रीक्वेंसी की बेटा वैल्यूज हैं 14। देन नेक्स्ट इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी, इसको बेटा मैं ए लेट कर लेता हूँ। नेक्स्ट इज 27 एंड देन नेक्स्ट इज मिसिंग, इसको बेटा मैंने बी लेट कर लिया। और लास्ट है बेटा 15। और इसके अलावा बेटा मुझे दो वैल्यूज गिवन है, मीडियन की वैल्यू 25। एक तो बेटा मुझे मीडियन गिवन है 25, और एक बेटा मुझे वैल्यू गिवन है मोड की। हाँ जी बेटा, मोड की वैल्यू गिवन है आपको 24। और आपको बेटा करना क्या है, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा क्या बनेगी, फर्स्ट क्लास की 14, सेकंड क्लास की 14 प्लस ए, थर्ड क्लास की बेटा 14 प्लस ए में 27 ऐड करेंगे तो 41 प्लस ए, देन 41 प्लस ए प्लस बी, और लास्ट बेटा आ जाएगा 56 प्लस ए प्लस बी। ये बेटा हमारा एन हो गया, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ जी बेटा, अब आपको क्या करना है, देखिए आपको मीडियन की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले ये देखो कि 25 जो मीडियन वैल्यू गिवन है, ये 25 किस में लाई करेगा। 25 बेटा जो नंबर है वो इस क्लास में लाई करता है, 20 to 30 में। तो मैं यहाँ मीडियन क्लास लिख लेता हूँ, मीडियन क्लास विल बी 20 to 30। हाँ जी बेटा, अब मीडियन के अंदर बेटा हमें एक तो एल की वैल्यू चाहिए, एक बेटा आई, आई हमारा हो गया 10। उसके बाद बेटा फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी बेटा जो हमारी मीडियन क्लास आई है 20 to 30, उसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है 27 है, ये फ्रीक्वेंसी ले लेंगे हम। और सी, सी का मतलब बेटा क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास हमारी है 10 to 20, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 14 प्लस ए, तो ये हमारी सी की वैल्यू होगी। हाँ जी बेटा, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस आई अपॉन एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी। हाँ जी बेटा, मीडियन की वैल्यू कितनी है, मीडियन की वैल्यू आपकी है 25। जो जो वैल्यूज आपको पता है वो पुट कर देते हैं। लोअर लिमिट 20, आई, आई हमारा हो गया 10 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है बेटा 27, एन बाय टू, एन हमारा कितना है जी, एन हमारा है 56 प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू, और माइनस सी, सी की वैल्यू बेटा हमारी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास 14 प्लस ए। तो इसको पुट करेंगे तो यहाँ 14 माइनस ए आ जाएगा। हाँ जी बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 20 को लेफ्ट साइड में ले जाओ, ये हो गया 5 इज इक्वल टू 10 अपॉन 27, और इसका बेटा एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा 56 प्लस ए प्लस बी माइनस 28 माइनस 2a एंड डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी बेटा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 10/27, इसको बेटा लेफ्ट साइड में ले आओ, 5 × 27/10 हो जाएगा। और बेटा जो राइट साइड में जो 2 है अपॉन में, इसको भी बेटा लेफ्ट साइड में ले आओ × 2, तो इज इक्वल टू राइट साइड में बेटा क्या बचेगा, 56 में से 28 माइनस करेंगे 28, और ए माइनस 2a माइनस ए प्लस बी, ये बेटा हमारा राइट साइड में रह जाएगा। ये बेटा कैंसिल हो गया, 5 × 2 = 10, 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, तो 27 इज इक्वल टू 28 माइनस ए प्लस बी। हाँ जी बेटा, माइनस ए और बी को बेटा लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ए माइनस बी और 27 को राइट साइड में ले जाओ इज इक्वल टू 1। 28 में से बेटा 27 सब्ट्रैक्ट होगा 1, ये हमारी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। हाँ जी बेटा, अब हम बेटा आ जाते हैं मोड पे। मोड की वैल्यू बेटा हमारी 24 है। फिर से वही देखो कि 24 जो नंबर है वो कौन सी क्लास में लाई करेगा। 24 बेटा 20 to 30 के बीच में आता है, तो मॉडल क्लास भी बेटा हमारी सेम वही है जो मीडियन क्लास थी। मॉडल क्लास हमारी क्या बनेगी, 20 to 30। मॉडल क्लास के बेटा बिल्कुल जो सामने वाली फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या बोलते हैं, F1। F1 की वैल्यू 27, उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी प्री मॉडल क्लास F0, और उसके बाद वाली बेटा जो क्लास है उसको हम बोलते हैं F2। हाँ जी बेटा, F0, F1, F2। हाँ जी बेटा, अब आपको क्या करना है, अब बेटा मोड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। हाँ जी बेटा, मोड का फॉर्मूला बेटा हमारा क्या है, L प्लस Δ1/Δ1 प्लस Δ2 × I। हाँ जी बेटा, इस फॉर्मूले में बेटा हमें क्या क्या चाहिए, एक तो L, लोअर लिमिट तो बेटा हमारे पास अवेलेबल है 20, ठीक है जी। Δ1 और Δ2 बेटा पहले निकाल लेते हैं हम। Δ1 होता है हमारा F1 - F0, F1 - F0, 27 - A, और Δ2। हाँ जी बेटा, Δ2 होता है F1 - F2, 27 - B। हाँ जी बेटा, ये वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। मॉड की वैल्यू हमारी है 24, मॉड की वैल्यू बेटा 24, एल लोअर लिमिट हमारा हो गया 20, Δ1 बेटा हमारा हो गया 27 - A अपॉन, नीचे बेटा हो जाएगा 27 - A प्लस 27 - B, तो ये बेटा आ जाएगा 54 - A - B और मल्टीप्लाइड बाय आई, आई की वैल्यू बेटा हमारी है 10। ये दोनों वैल्यूज बेटा हमने पुट कर दिए हैं Δ1 और Δ2 की, ठीक है जी। इसके ऊपर मॉडुलस होता है, बट 27 - A का मॉडुलस करेंगे तो यही आएगा 27 - A। अब बेटा क्या करना है, 20 को लेफ्ट साइड में ले जाइए, 24 में से 20 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका 4 आ जाएगा, और राइट साइड में बेटा क्या रह गया, अच्छा ये जो मल्टीप्लाई में 10 दिया हुआ है इसको भी बेटा लेफ्ट साइड में ले आएंगे, 24 में से 20 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 10 अपॉन में आ जाएगा। अपॉन में इसलिए आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड में बेटा क्या बचेगा, 27 - A / 54 - A - B। हाँ जी बेटा, इसको कैंसिल कर लेते हैं हम, ये 2/5 हो गया। हाँ जी बेटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जी बेटा यहाँ स्पेस ख़त्म हो गया, मैं इधर कर रहा हूँ बेटा कैलकुलेशन, यहाँ ले रहा हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे जब आप, तो 2 × 54 = 108 - 2a
माइनस टू बी इज इक्वल टू, हाँ जी, फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे 135 माइनस 5a। इसको बेटा सॉल्व करेंगे, a और b वाली टर्म लेफ्ट साइड में ले आइए, तो ये बेटा इक्वेशन बनेगी 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 135 में से 108 गया 27। ये बेटा हमारी इक्वेशन आ गई सेकंड। अब हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। हाँ जी बेटा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी a माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो इनके कोफिशियंट सेम बना लेने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। हाँ जी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन बेटा हमारी क्या बन जाएगी, 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 2। अब बेटा दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो 2b से 2b बेटा कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू बेटा हमारी आ गई 25। लो बेटा, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो बेटा हमारी आ गई है 25। अब नेक्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसके लिए बेटा a की वैल्यू जो 25 है इसको पुट कर दो आइदर इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, a की वैल्यू को बेटा यहाँ पुट कर देते हैं 25 माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू बेटा आ जाएगी 24। तो ये बेटा हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा a इज इक्वल टू 25 एंड b इज इक्वल टू 24। तो ये बेटा हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप नंबर 45। हाँ जी बेटा, देखिए आज बेटा हमने टाइप करनी है कैलकुलेशन ऑफ मोड व्हेन क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल। हाँ जी बेटा, अगर क्लास इंटरवल बेटा अनइक्वल हो तो उस केस में मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली बात बेटा आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी आप मोड कैलकुलेट करते हैं तो क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है, जो विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल है, वो ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। तो पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, मेक ऑल द क्लास इंटरवल्स इक्वल। हाँ जी बेटा, सारी की सारी क्लास इंटर को इक्वल बनाएंगे, उसके लिए हम ग्रुपिंग का इस्तेमाल करेंगे, बाय ग्रुपिंग ऑफ क्लास इंटरवल्स, और उसके बाद बेटा प्रोसीड अकॉर्डिंग टू टाइप नंबर 39। आगे का प्रोसेस हमारा वही रहेगा जो 39 टाइप में आपको बताया था। ठीक है, तो इसको एक सम की हेल्प से हम समझते हैं। हाँ जी देखिए, क्लास इंटरवल बेटा हमें गिवन है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 24, 24 to 38, हाँ जी बेटा 38 to 40, 40 to 60, हाँ जी बेटा 60 to 70, 70 to 80, 80 to 95, 95 to 100 एंड 100 to 120। हाँ जी बेटा, ये हमारा सम है। इसमें आप ये देखिए, क्लास इंटरवल अनइक्वल है, कहीं तो 5 का गैप है, यहाँ पे बेटा 10 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है,
विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल अनइक्वल है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लास इंटरवल को इक्वल बनाना है। तो क्लास इंटरवल आप देखो इक्वल कैसे बन सकता है, अगर सपोज कीजिए मैं 5 5 के डिफरेंसेस लेता हूँ, इंटरवल 5 का रखता हूँ, तो देखते हैं बन पॉसिबल है या नहीं। 0 to 5 ये तो हो जाएगा, 5 to 10, फिर मुझे चाहिए 10 to 15, 15 to 20, वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम ये आएगी कि फ्रीक्वेंसी 5 को कैसे डिवाइड करें। हाँ 10 to 20 है, तो इसके अगर मैं 10 to 15 और 15 to 20 बनाता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी बेटा 5 के भी दो पार्ट्स करने पड़ेंगे, 2.5 2.5, बट फ्रीक्वेंसी कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है 5 5 का हम गैप बनाएं। अगर 10 10 का गैप लेते हैं तो 0 to 10, 0 to 10 में हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 3 और 4 को, 10 to 20 हमें गिवन ही है, 20 to 30, 20 to 30 में बेटा फिर प्रॉब्लम आएगी, देखो 20 to 24 है, 24 to 38 है, तो 20 to 30 भी हम नहीं बना सकते। तो अब इसमें ये देखो ये बनेगा बेटा 0 to 20, अगर मैं 0 to 20 बनाता हूँ तो 0 to 20 में ये तीनों क्लास इंटरवल ऐड हो जाएंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लें, फिर 20 to 40, 20 to 40 भी हमारे पास है, 40 to 60, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुपिंग कर रहा हूँ क्लास इंटरवल 0 to 20, 0 to 20 में बेटा ये तीनों क्लास इंटरवल इंक्लूड हो जाए, इन तीनों का सम कर दो, फ्रीक्वेंसी 12, फिर बनेगा बेटा 20 to 40, 20 to 40 में 20 to 24 आ जाएगा, 24 to 38 आएगा, 38 to 40 ये बेटा तीनों आ जाएंगे, ये 20 बन गया, इनका सम हो गया 20। फिर आ जाइए 40 to 60, 40 to 60 बेटा दिया हुआ 15, 60 to 80, 60 to 80 में बेटा आपका बनेगा 10 and 10 20। उसके बाद बेटा 80 to 100, 80 to 100 में 40 to 60 तो हमें गिवन ही था, फिर उसके बाद 60 to 80 में हमें 60 to 70 और 70 to 80 को हमने ऐड कर लिया। अब आ जाइए 80 to 100, 80 to 100 में इन दोनों का सम हो जाएगा, 80 to 95 एंड 95 to 100 का 15, दोनों की फ्रीक्वेंसी ऐड कर, और 100 to 120 हमें गिवन है 30। अब बेटा क्लास इंटरवल बिल्कुल इक्वल हो गया, तो अब हम इसका मोड कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बेटा प्रॉब्लम फिर से वही आ रही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 20, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है तो हमें, और वो 20 आपकी दो दो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही, तो यहाँ पे फिर मॉडल क्लास में हमारा डाउट है कि मॉडल क्लास कौन सी लें, 20 to 40 लें या 60 to 80। तो इस डाउट को रिमूव करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ग्रुपिंग मेथड। तो यहाँ पे बेटा ग्रुपिंग मेथड में हमें कितने कॉलम बनाने हैं, 6 कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। तो फर्स्ट कॉलम तो फ्रीक्वेंसी का हो गया, सेकंड कॉलम में हम दो दो का टोटल ले लेते हैं, हाँ जी 20 and 12 हो गया 32, फिर बेटा 15 and 20 35, उसके बाद बेटा 15 plus 13 28, फिर थर्ड कॉलम में 12 को छोड़कर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के आगे दो दो की ग्रुपिंग कर देते हैं, 20 और 15 35, हाँ जी बेटा 20 and 10 20 and 15 फिर से 35, और लास्ट में बेटा 13 रह जाएगा, इसको छोड़ दो। फिर फोर्थ, फोर्थ कॉलम में हमें क्या करना होता है, तीन तीन की ग्रुपिंग करनी है, 12 20 एंड 15, ये बेटा हो जाएगा 47, फिर हो गया हाँ जी बेटा 20 15 एंड 13 48। उसके बाद बेटा फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम में 12 को छोड़ के फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के 3 3 की ग्रुपिंग, तो एक ही बनेगा 3 का ग्रुप 20 15 एंड 20, तो ये हो गया 55। और सिक्स्थ कॉलम में बेटा दो फ्रीक्वेंसी छोड़ दो स्टार्टिंग की, 12 को छोड़ दो और 20 को, और इन तीनों का सम करेंगे, ये हमारा आ रहा है 50।
हाँ जी बेटा, अब क्या करना है, जितने भी कॉलम्स हमारे बने हैं 6 कॉलम, इनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को, हाईएस्ट जो इसका टोटल है उसको मार्क कर। 20 फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट 20 है, सेकंड कॉलम का हाईएस्ट 35, थर्ड कॉलम का हाईएस्ट 35, फोर्थ कॉलम का हाईएस्ट 48, फिफ्थ कॉलम का हाईएस्ट 55 और सिक्स कॉलम का हाईएस्ट 50। अब बेटा बनाएंगे एनालिटिकल टेबल। ग्रुपिंग टेबल बनाने के बाद एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। तो एनालिटिकल टेबल में आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉलम नंबर वर्टिकली लिख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, और क्लास इंटरवल ऊपर ले लेते हैं, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100 एंड 100 to 120। हाँ जी बेटा, तो इसमें देखो जरा, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम का हाईएस्ट था 20। 20 के सामने जो क्लास इंटरवल है, 20 to 40 है और एक 60 to 80, तो 20 to 40 के आगे टैली बार लगा दीजिए और 60 to 80 में। हाँ जी, फिर आ जाओ 35। 35 किस किस का टोटल है, 15 और 20 का, तो 15 के सामने बेटा है 40 to 60 और 20 के सामने 60 to 80। अब आ जाओ थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम का हाईएस्ट है 35। हाँ जी, 35, 20 15 और 20 15, तो 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। हाँ जी बेटा, फिर आ जाइए फोर्थ कॉलम पे, फोर्थ कॉलम का हाईएस्ट है 48, तो 48 किस किस का सम था, 20 15 और 13 का, तो 60 to 80, 80 to 100 एंड 100 to 120। हाँ जी बेटा, फिर आ जाओ 55, फिफ्थ कॉलम में 55, 55 जो है वो आपका इन तीनों का सम है, 20 to 40, 40 to 60 और एक बेटा 60 to 80। और लास्ट कॉलम्स जिसकी फ्रीक्वेंसी का टोटल, लास्ट कॉलम का जो हाईएस्ट है 50, 50 बेटा ये था 15 20 एंड 15 का टोटल, तो इसके सामने 40 to 60। हाँ जी बेटा, एक तो 40 to 60, एक है 60 to 80 और एक बेटा बनेगा 80 to 100। हाँ जी बेटा, तो इनका टोटल कर लो जी, टैली बार लगाने के बाद इनके टोटल कर लेते हैं। तो ये टोटल बन गया, इसका टोटल आ गया 3, यहाँ टोटल कितना बन रहा है 4, और यहाँ 60 to 80 6, इनका टोटल बन रहा है 3 और ये बेटा बनेगा 1। तो आप देख लो जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास हमारी कौन सी आ रही है, 60 to 80। हाँ जी बेटा, ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। हाँ जी बेटा, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मोड का। मोड का हमारा फॉर्मूला होता है L+Δ1 / Δ1 + Δ2 मल्टीप्लाइड बाय I। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए पहले हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, एक तो L, तो L तो हमारा आ गया, हमारी जो क्लास आई थी अभी वो आई है 60 to 80, तो लोअर लिमिट हमारी कितनी होगी 60, और आई आई हो गया हमारा 20। डेल्टा वन होता है हमारा F1 - F0 मॉडुलस, तो F1 कितना है, F1 हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो देख लीजिए, 60 to 80 के सामने हमारा फ्रीक्वेंसी है 20,
ये हमारी हो गई F1, ये हो गया हमारा F0 और ये हमारा हो गया F2। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 20 माइनस 15, 5। हाँ जी बेटा, ये आएगा 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। और डेल्टा 2 भी हमारा यही आएगा 5। डेल्टा 2 का फॉर्मूला होता है हमारा F1 माइनस F2 मॉडुलस, तो ये भी बेटा हमारा 5। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मोड इज इक्वल टू एल, एल की वैल्यू है 60, डेल्टा 1 5, और नीचे हो गया डेल्टा 1 5 प्लस डेल्टा 2, और इनटू आई, आई की वैल्यू है हमारी 20। तो इसको बेटा सॉल्व कर लो, 60 प्लस 5 अपॉन 10, तो ये हो गया 60 प्लस 10। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ गया, मोड की वैल्यू 70। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो जी, आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए कल सेम टाइम पे बेटा मिलते हैं। ठीक है, ओके जी, बाय।